हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो पहल वर्ल्ड। और आज के एपिसोड में मैं बनाने वाला हूँ एक आयरन ओर फार्म, जिससे कि आज के बाद अपने को कोई भी कमी नहीं होगी आयरन ओर की और अपन जितना चाहे उतना आयरन ले सकेंगे। लेट्स गो। ओके, तो फिलहाल मैं अपने घर पे हूँ और गाइस आयरन ओर फार्म बनाने के लिए सबसे पहले अपने को एक ऐसी लोकेशन ढूंढनी पड़ती है जहाँ पे बहुत सारे ओर पिट्स, जैसे कि अपने यहाँ पे ये एक ओर पिट है एक तरीके से, तो ऐसा ओर पिट्स एक जगह पे बहुत सारे हों, तो एक ऐसी जगह मैंने ढूंढ निकाली है। तो आज अपन इसी जगह पे आयरन ओर फार्म बनाएंगे। तो इसके लिए अपने को बनाना पड़ेगा एक और बेस, जैसे कि अपना ये वाला बेस है। इस बेस के अंदर अलग अलग तरीके के पाल्स हैं जो कि वर्क करते हैं, बट वहां पे भी बेस होगा लेकिन उसके अंदर सिर्फ माइनिंग वाले पाल्स होंगे। सबसे पहले तो वहां जाके जो मुझे बनाना होगा वो है ये पाल बॉक्स, और इसके लिए चाहिए आयरन वगैरह। तो ये शायद मेरे पास नहीं है, मेरे को लेके जाने पड़ेंगे वहां पे आयरन वगैरह। आयरन नहीं, ओके, वुड स्टोन एंड पैलेडियम फ्रेगमेंट, तो ज्यादा नहीं चाहिए। एक सेकंड, ये अगर मैं यहां से उठा लूं तो इतने में काम हो जाएगा। 9 ओर्स मिल गए, 1 पैलेडियम फ्रेगमेंट मिल गया, 9 अरे ओर्स क्यों कह रहा हूं मैं बार-बार, 8 वुड्स और चाहिए रुको। ओके, तो मैंने अभी सारा सामान कलेक्ट कर लिया है जो मुझे वहां लेके जाना है, और बाकी अगर अपन ने एक बार ये पाल बॉक्स बना दिया तो इससे अपन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। पहले मैं जा रहा हूँ इस एरिया के पास में, और इस एरिया के पास में ये एक ही टावर है जिससे अपन यहाँ पे आएंगे, बाकी ये एरिया खुला हुआ नहीं, क्या पता अपने को यहाँ पे ईगल मिल जाए। तो यहाँ चलते हैं और इसके बाद अपने को उड़ के करना है अपना सफर तय। लेट्स गो। ओके गाइस, वो जगह आ गई है, और ये देखो कितने सारे ओर्स हैं एक ही जगह पे। तो इस ही जगह पे अपन बीच में लगा देंगे अपना बेस। तो सबसे पहले मैं अपना बेस बनाता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ मैं बनाने का ट्राई करता हूँ। डन, मैंने गाइस इसको बना दिया है। और गाइस अब मैं यहाँ उतारने वाला हूँ अपने माइनिंग वाले बंदे, और माइनिंग के नाम पे ये भी बहुत अच्छा है अपना एनोबीज, क्योंकि इसकी लेवल 3 की माइनिंग है। तो अपन एक बार के लिए इन दोनों को उतार देते हैं। और एक सेकंड, अगर मैं सारे ये बनवा के यहाँ रखवा दूं तो क्या सही चीज हो जाएगी, क्योंकि लेवल 3 की माइनिंग, और मेरे को लगता नहीं लेवल 3 की माइनिंग और किसी की है। इसकी लेवल 3 की माइनिंग है ये रहा बंदा। यहां कैसे है? ये अपने ने वहां लगा रखा था ना इस बंदे को। ओके, ये वो छोटी लेवल वाला होगा। हाँ, ये 1 लेवल का बंदा है, ये 1 लेवल का बंदा है, जो कि अपन इसको भी रख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा बेस पे अच्छा लगेगा बंदा। और मैं बहुत सारे एनओबीज लाने वाला हूँ भाई ये, लेकिन उनसे पहले मैं ट्रांसपोर्टर्स भी रख देता हूँ यहाँ पे 2-4, क्योंकि ये देखो ये मेरे पास लकी लामा था, लकी लामा। अभी मैं बनाने वाला हूँ एक चेस्ट जिससे कि सारा सामान वहां पे इकट्ठा करते रहे, और चेस्ट इनके लिए छोटी ही चलेगी क्योंकि ये कुछ और तो इसमें रखने से रहे। यहाँ पे अपन इसको बिल्ड कर देते हैं। बाकी इनके लिए भी मैं फ्लफी वाला बेड बना दूंगा, अभी मैं नॉर्मल वाला बनाने वाला हूँ। अपने को बनाना सबसे पहले पाल बेड्स बना देते हैं अपन। एक यहाँ पे, यार अब वुड कम पड़ गई, अरे भाई रुक रुक। अभी बना देते हैं अपन इनके बेड, 2 यहाँ रखते हैं, ठीक है मस्त लगेंगे। ओके गाइस, फिलहाल मैंने 13 बेड्स बना दिए, और एक यहाँ पे पेड़ था इसको काट के यहाँ पे एक और लगा देंगे, अच्छा लगेगा। देखो लाइन से मैंने सारे बेड लगा दिए, ये आराम से आके यहाँ सो सकते हैं। और अभी मैं देखने वाला हूँ कि अपने पास कितने ओर्स हो चुके हैं, जो तो मैं इतनी देर से कुछ भी नहीं करा है, मैंने सिर्फ बेड्स लगाए। भाई देखो 107 ओर्स हो गए। अपन घर चलते हैं एक बार के लिए, नहीं घर नहीं जाना, अपने को पहले बेरी फार्म बनाने हैं। तो बेरी फार्म के लिए भी अपने को कुछ लोग छोड़ने पड़ेंगे जो कि यहाँ पे प्लांटेशन कर सके। और बेरी फार्म कहाँ बनाए, 2 बहुत होंगे मेरे जहाँ तक। एक अपन बना देते हैं फूड वाला, जिसमें वो फूड रखे रहते हैं। तो इस फीड बॉक्स को अपन बनाते हैं यहाँ पे, जिससे कि ज्यादा टाइम भी नहीं लगे, यहाँ से लोग खाएं और वापस काम पे चले जाएं। डन गाइस, अभी मैं इनके लिए खाना भी लाया था थोड़ा बहुत, शायद अपना ये रख देते। 179 मैंने इनके लिए फूड रख दिया है, इनको भूख लगेगी तो ये आराम से आके, ओके देखो हंगरी शो करते ही खाने लग गए भाई। अभी गाइस अपने पास और हैं 1-1 लेवल के हैं, जिनकी माइनिंग 1-1 लेवल की है, बट हाँ अभी के लिए रख सकते हैं, बुरे नहीं है ये। ओके, इसकी भी 2 लेवल की माइनिंग है, इसको भी रखो, बाकी 1 लेवल वाली माइनिंग वाले को वापस ले लो। और बाकी देखो गाइस एक ही जगह पे कितने लग रहे, और अब और तेजी से देखो सामान आने लगेंगे। 168 ओर्स हो गए भाई। गाइस मैं एक-एक प्रोसेस देख लेता हूं सारी हो रही है कि नहीं हो रही फुलफिल। देखो अब यहाँ पे 3-3 जगह, 4-4 जने लगे, 1-2-3-4-5 जने लगे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, अब ग्रो कौन करेगा। अच्छा ग्रो अपने आप होते हैं क्या। एनोरबीज के लिए यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा रिलैक्सोसॉरस को। मेरे को केक बनाने दो फटाफट से, जितने केक बन जाए, मैक्स 3 बन सकते हैं। बना भाई फटाफट बना, जो भी बना रहा आ जा भाई, बाद में खाना खा लेना, खाना ही खाना मिलेगा, केक दूंगा इतना बड़ा सारा काम कर। पहले इसको मैंने असाइन करा दिया है, और वो कहाँ है, आ जा मेरे साथ आ जा। ओके, इन दोनों का काम शुरू हो गया है, और यही दोनों छोड़ने होते थे ना मेरे को, मुझे ध्यान नहीं है, मैं भूल गया हूँ, इससे पिछले एपिसोड में बनाया था मैंने। इसमें केक रख दूंगा बाकी तुम्हें, और एक मेरे पास फ्रोजन है, इससे देखते हैं क्या आएगा। ओके ठीक है, ये मेरे पास पहले भी था। ओके, तो अभी वहां पे जितना भी और बना है वो अपन यहाँ लेके आते हैं, और उनसे अपने आप को अपग्रेड करते हैं, जिससे कि अपन बहुत सारा सामान बना सके। यहाँ पे 211 ओर्स दिख रहे हैं, ये देखो गाइस मैं इकट्ठे करके लाता हूँ, माइनिंग वाले ज्यादा लग रखे हैं इसलिए इकट्ठे नहीं कर रहे। ये देखो 38, ये सारे बेरी प्रोडक्शन में क्यों लग रहे हैं भाई, मैं ला के रख दूंगा यार, उठा दूंगा इनका बेरी प्रोडक्शन का ये सिस्टम। एक सेकंड रुको, मैं इनको उठाने वाला हूँ।
बाकी खाना मैं ला ला के रख दूंगा या फिर बाद में देख लेंगे जब मेरे पास सारे एनओबीज हो जाएंगे, क्योंकि यही अच्छी खासी माइनिंग कर रहे हैं और ये प्लांटिंग नहीं करते हैं, शायद हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं, तो बाद में इनको मैं ला के रख दिया करूंगा और सिर्फ एक रखूंगा मैं प्लांटिंग और वॉटरिंग वाला, जो दोनों कर दे ऐसा मैं देख के लाऊंगा। अगर कोई मेरे को ऐसा मिल गया ना तो मैं उसको रखूंगा, जिससे कि एक ही में काम हो जाए अपना, बाकी जबकि जब देख लेंगे। अभी मैं इनमें से जो माइनिंग नहीं करते उनको हटाने वाला हूँ। इसको हटाओ, ये माइनिंग करता है, ये माइनिंग करता है, ये माइनिंग करता है, ओके ये माइनिंग नहीं करता, इसको हटाओ, इसकी जगह पे इनको रखते हैं। ये सामान जल्दी जल्दी उठा उठा के ले आएंगे, बाकी और कोई अपने पास है नहीं जो सामान उठाए। ये है सामान उठाने वाला इस टाइम, एक ये है और एक ये है, ठीक है, शायद अभी सब बढ़िया से काम कर रहे होंगे। और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, बट इतनी दूर से माइनिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही करना चाह रहे हैं। और ये पत्थर हवा में क्यों है, अबे ये पत्थर हवा में क्यों है भाई। ठीक है गाइस, मैं लेके जा रहा हूँ इन सारे ओट्स को घर की साइड, तो अभी इनको पकाने के लिए वहां तक जाना पड़ेगा भाई, ये बड़ा झंझट है। और यहाँ पे आओ जब तक, थोड़ी देर के लिए तो अटके ही रहते हैं भाई। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, इसके अंदर ओट्स डालते हैं, मैक्स 169 इंगट्स बना सकते हैं अपन, बट इतने अपन इसके अंदर बनाएंगे नहीं एक साथ। इसके अंदर बनाते हैं अपन 79 और इसके अंदर बनाते हैं अपन बाकी के बचे हुए 90। अब सोचो अपन क्या कुछ नहीं बना सकते, बाकी दोनों लग गए इसके ऊपर। अभी मैं बनाने वाला हूँ बहुत सारे गीगा स्फीयर्स, बाकी मैंने हाइपर स्फीयर भी अनलॉक कर दिया था, तो बाकी क्या रह गया अब। एक सेकंड, हाइपर स्फीयर क्यों नहीं बन रहा। ओके, मुझे ये बनाना पड़ेगा, स्फीयर असेंबली लाइन और एक प्रोडक्शन असेंबली लाइन। ये शायद पाल स्फीयर वर्कबेंच का अपग्रेडेड वर्जन है, और ये तो इन चारों को मैंने अनलॉक कर दिया है। मेरे को ये बनाने हैं, और अपने को मेमथ का शेडल भी मिल गया है, मेटल शेल्फ सेट। गाइस अपन एक एक करके ये बनाते हैं, बट यार इतनी लंबी लाइन अपन रखेंगे कहां, इसके लिए अपने पास इंगर्ट भी नहीं है, इंगर्ट भी चाहिए। और पैल बनाने वाला कहां गया, एक तो ये रहा स्फीयर असेंबली, तो हाँ यही है, ओके। और एक दूसरा भी तो था, स्फीयर असेंबली और प्रोडक्शन असेंबली, ये क्यों नहीं मिल रहा अपने को। प्रोडक्शन असेंबली कहां बनेगी भाई, इसमें तो सिर्फ स्फीयर असेंबली आई है, क्या पता गाइस वो कैसे बनेगा। शायद अपने को पहले स्फीयर असेंबली बनानी पड़ेगी। इंगर्ट अपन होने देते हैं यहाँ पे, बाकी अपने पास 22 इंगर्ट्स आ गए, इनको रख दिया, और ये इसको बाहर रख दो, ये अपने आप रख देंगे। बाकी और किस चीज की कमी है अपने को, पैलेडियम फ्रेगमेंट की, तो पैलेडियम फ्रेगमेंट अगर अपन इसमें, ओके अपन इसमें पाल सोल्स भी बनवा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बनवाने वाला हूँ 204, इसको भाई कोई बना दो फटाफट वॉटरिंग करके। और यहाँ पे ये देखो कितनी जल्दी जल्दी इंगट बन रही है, कौन सा बना रहा है ये, कौन सा है, ओके ये पैदा हुआ था शायद वो, ये देखो गाइस तुम ये दोनों को देखो कितनी जल्दी जल्दी इंगट्स बना रहे हैं ये। बाकी मैंने अच्छा ये चेस्ट इसलिए रखी थी कि यहाँ पे रख दें लोग बाग जल्दी जल्दी। 121 इंगट्स हो गए, अभी शायद मेरा काम हो गया, बट मेरे को पैलेडियम फ्रेगमेंट चाहिए, यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। ओके कितना सारा आइटम मिल गया, इसके अंदर रखते हैं पैलेडियम फ्रेगमेंट, 7 ही आए मेरे पास, बट अपन ये बना सकते हैं। और इसके लिए चाहिए बहुत लंबा एरिया यार, ये अपन कहाँ बनाए, एक सेकंड गाइस मैं सो के आता हूँ फिर बताता हूँ कहाँ बनाएंगे। ओके यहाँ पे अपने पास थोड़ी बहुत जगह है, अगर यहाँ ये बन जाए तो बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है यार, लेकिन ये अच्छा लगेगा यहाँ पे। घर के पीछे एरिया यही खाली है अपने पास, क्या अपने को बेस अपना बदलना चाहिए या फिर यहीं पे सब कुछ अच्छे से सेटल कर देना चाहिए। एक बार के लिए यहाँ रख के देखते हैं, ओके ज्यादा एरिया नहीं घेर रहा है ये, यहाँ से अभी अपन आराम से जा सकते हैं, ठीक है ये परफेक्ट है। इसको मैं यहाँ बनाने वाला हूँ, बट लोग बाग आए इसको काम कराने, भाई मजदूरों इकट्ठे हो जाओ जल्दी जल्दी। अरे इनका केक भी तो बन गया होगा, अरे यार ये लोग फिर केक खा गए होंगे, छेड़ गए ये लोग, केक नहीं खाया है अबे, तो इधर काम करो ना, इस पे लग जा चुपचाप, ठीक। और ये अपना बन गया है पाल स्फीयर्स वाला, इसमें क्या कर सकते हैं अपन, ओके मेगा स्फीयर बनवा सकते हैं, हाइपर स्फीयर, हाइपर स्फीयर। और हाइपर स्फीयर के लिए अपने को चाहिए पैलेडियम फ्रेगमेंट और सीमेंट। एक सेकंड, मेरी एचपी 1 पे कैसे है, मैं भूल गया था भाई, खाना भूल गया मैं। ओके मैंने खाना खा लिया है, अभी मुझे देखना है सीमेंट में मैं कहां बना सकता हूं। ये रहा सीमेंट, और मैक्स में 14 बना सकता हूं। ये बनेगा स्टोन से, बोन से और पाल फ्लूइड से, ठीक है। तो इसका बनाना का यार, मेरे को वो लेके आन दो, अपना एनोरबीस लान दो, ये बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा, हट जाओ भाई। और एक एनोरबीस लेके मैं यहां से जा रहा हूं। केक कहां रख दिया इन लोगों ने ले जाके, एक सेकंड यार, इनने केक पता नहीं कहीं तो रख दिया है ले जाके। ओके अंदर फ्रिज में लाके रख देते हैं केक, अगर बाहर जगह ना हो तो, भाई बहुत सियाने लोग हैं ये, नहीं तो इसमें रखते हैं खुद के लिए, पहले खुद के लिए खाना भरते हैं फिर दूसरों के लिए खाना भरते हैं भाई लोग। तो अभी के लिए मैं इनके पास केक डाल देता हूं, और इनने केक खा लिया है, और अपने को मिल गया है एक अंडा, जिसको अपन उठाएंगे और रखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे। और अपने को एनोरबीज मिलना चाहिए, ओके नाइस नाइस गाइस नाइस। सबसे पहले तो मेरे को सीमेंट बनवाना था, उसके लिए एक एनोरबीज को छोड़ना था, तो ये रहा वो एनोरबीज। और ब्रो तू मत काम कर, ये काम करेगा, हट जा तू। और गाइस ये देखो काम की स्पीड देखो तुम, और मेरे लगते ही देखना कितना स्पीड हो जाएगा। एनोरबीज का शायद लेवल अपग्रेड हो गया, हाँ 8 लेवल की हो गई, 7 लेवल की जगह। एक गाइस अपने बेस पे भी रखेंगे, अच्छा काम कर रहा है। बाकी 120 सीमेंट बना दिया, अच्छा एक के अंदर 10 था भाई, बहुत है बहुत है। अभी मेरे को बनाने हैं पैलेडियम फ्रेगमेंट। पैलेडियम फ्रेगमेंट के लिए भी कुछ ऑप्शन है क्या कि अपन कहीं बना सकें?
भाई वाटरिंग वाला कोई तो पेट आ जाओ यहाँ पे, इसमें मुझे छोड़ना पड़ेगा कोई तो वाटरिंग वाला पेट। ये रहा लेवल 3 का वाटरिंग पेट। ओके इधर ज्यादा भीड़ भड़का भी नहीं फैलाया इसने और इसी पे काम कर रहा है। अभी अपना थोड़ी देर में बन जाएगा बहुत सारा पैलेडियम फ्रेगमेंट। ओके और मेरे पास अनलिमिटेड यार ये पाल स्फीयर्स होते जा रहे हैं, मैं इनका करूं क्या? इनको बेच के मैं पैसे ले सकता हूं, तो अब यही काम आएंगे पाल स्फीयर्स। जब तक मैं सामान निकाल देता हूं अपने बैकपैक में से और एक हाइपर स्फीयर भी बनाते हैं और देखते हैं गाइस ये कैसे बनेगी। देखो मैंने एफ दबाया वैसे ही ये चलने लग गया शायद। नॉट इनफ इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैं क्या करूं? मेरे को कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला पाल छोड़ना पड़ेगा क्या? गाइस यूनिवोल्ट छोड़ के देखते हैं अपना कैन नॉट असेंबल, फिर दिक्कत क्या है भाई इसको। गाइस मुझे कोई कमेंट्स में बताएगा इसको इलेक्ट्रिसिटी कैसे देनी है। रिक्वायर्ड हैंडवर्क, ये क्या बकवास है भाई। ओके ये बिजली वाला भी है और ये शायद हैंडवर्क भी करेगा, क्या अपन इसको इस पे काम करवा सकते हैं? ओके जो इलेक्ट्रिसिटी वाला बंदा हो और जो हैंडवर्क करता हो, नॉट इनफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अब क्या ये बच्चे की जान लेगा? गाइस कोई तो मुझे ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिसिटी भी देता हो और हैंडवर्क भी करता हो। गाइस एक बार में दो जने लग सकते हैं क्या? इसको मैंने असाइन कर दिया है बट ये अब ये बेचारा अकेला खड़ा है यहाँ पे। मैं भी हैंडवर्क, गाइस मेरे को कोई कमेंट्स में बताओ इसको चलाना कैसे या फिर मैं दिख जाता हूँ। एक और मशीन थी ऐसी, वो आ नहीं रही है यहाँ पे, सिर्फ यही वाली मशीन शो कर रही है जो कि मैंने लगा दी है और जो कि अब काम नहीं कर रहा। 100 इंगट लगे उसके अंदर पता है तुम्हें? एक सेकंड रुको, मेरे को बहुत सारा नहीं एक वो बनवाना है। हटो भाई, अरे कैंसिल करो इसको, बस बहुत हो गया। मेरे को इसमें बनाना है एक अपना ये जो नया सूट खुला था हीट रेजिस्टेंट मेटल आर्मर, बाकी मेटल आर्मर बना हुआ है ये बनवा के रखना है। और एक अपना अनलॉक हुआ है, गीगा शील्ड अनलॉक नहीं हुई थी क्या? कोई है यार गीगा शील्ड अनलॉक, बट ये बनेंगे कहाँ पे? अच्छा ये भी शायद ये अच्छी वाली जो अपग्रेडेड मशीन है उसमें बनेगा। अपग्रेडेड मशीन मेरे को कहीं शो ही नहीं कर रही है। ठीक है गाइस देखते हैं क्या करना है इन सब चीजों का। एक लार्ज बैग भी बनवाना है मेरे को और एक लैंटेन। ओके एक केक और बन गया है शायद, ये रहा केक, इसको अपन वहां रख देते हैं। एक और एनॉर्बीज आ जाएगा अपने पास, इसको इसमें रखो, इसको खोलो और अपने को मिला एक और एनॉर्बीज जिसको अब मैं लेके जाने वाला हूँ अपने इस बेस पे जिससे कि अपना बहुत सारा काम हो जाए। और ये सब अटके पड़े हैं यहाँ पे, 53 आया है। मैं गाइस इससे दूर रहता हूँ तो मेरे को ज्यादा और नहीं मिल पाते हैं, बट फिर भी बहुत सारा और इकट्ठा हो जाता है। मैं अपनी HP बढ़ा लूं एक से या वेट बढ़ा लेता हूँ। ठीक है इस बार वेट बढ़ाते हैं अपना और एनॉर्बीज को यहाँ पे अपन काम में लगा देते हैं। एक ईरा एक इसको अठाओ इसको लगाओ और ठीक है चलो एक और है जिसको अपन वहां लगाएं कि यहाँ लगाएं, वैसे एक और बन जाएगा, इसको अठा के यहाँ लगा देते हैं एनॉर्बीज को और को। ठीक है सही है। और इनका खाना कितना खत्म हुआ है एक बार ये भी देख लेता हूं मैं। खाना इनसे खत्म हो नहीं रहा वैसे भी, तो कोई जरूरत नहीं है इसमें खाना डालने के लिए, बहुत है। 150 भी इनके लिए बहुत है, मतलब जब अपन यहाँ पे AFK होंगे तब डाल सकते हैं थोड़ा बहुत खाना, तब शायद इनके काम आए। और मैं 15 हाइपर स्फीयर बना सकता हूँ। ओके गाइस अभी मेरे को समझ में आ गया कि मैंने क्या नहीं बनाया है। देखो अपन ने एक चीज अनलॉक करी है कि नहीं मेरे को पता नहीं, बट अपने को बनवाना है एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जो कि है ये रहा पावर जनरेटर, जो कि मैंने ओपन तक नहीं कर रखा था। गाइस पावर जनरेटर के लिए अपने को चाहिए होंगे इलेक्ट्रिक ऑर्गन और जो कि अपने पास नहीं है। ऐसा कैसे भाई, मैंने ऐसा क्या बना दिया इलेक्ट्रिक ऑर्गन से? अच्छा वो एक डंडा बना दिया था भाई, इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला डंडा। केक लेते हैं अपन उठा के सबसे पहले और इस केक को डाल के आते हैं यहाँ पे और इस बंदे को उठाते हैं, इसको पटकते हैं यहाँ पे, शायद ये काम नहीं करेगा यार। अभी अपने को जाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक वाले बंदों को मारने और ये मिलेंगे अपने को इस एरिया में। 2 मिनट रुको, अपन गाइस आ गए हैं यहाँ पे, कोई नहीं ऊपर। हेलो और गाइस ये माइन शाफ्ट जिसको मैंने एक बार देखा हुआ है बट एक्सप्लोर नहीं करा हुआ है, क्या इसमें जाना चाहिए? एक सेकंड गाइस मैं जाके देखता हूँ क्योंकि मेरे को वो तो मिल नहीं रहे जिनके लिए मैं आया था। और इस बार मेरे पास टॉर्च भी है। ब्लैक मार्केट भाई, मारेगा तो नहीं ना? ओके गन वन तो कुछ है नहीं इसके पास। बाय कॉन्ट्रा बैड, ओके कितने सही सही बैट्स बेच रहा है ये मेरे पास है शायद। भाई इनको लेने आना बनता है, बट 5,000 और ये 13,000 की है ना। ठीक है भाई आके लेके जाएंगे इससे, चीज बढ़िया है। और इनको उखाड़ के लेके जा सकते हैं क्या? क्योंकि अपने को घर में बनाने का भी ऑप्शन तो आता है। बाकी तो कुछ है नहीं गाइस इस माइन शाफ्ट में, चलो चलते हैं यहाँ से। मैं डर गया था भाई एक सेकंड के लिए कि वो बंदूक वाला बंदा तो नहीं है ना। ओके गाइस मुझे एक मिल चुका है, वो रहा सामने, जिसकी तलाश में सुबह से कर रहा था, अब जाके मिला, मार दिया है, बट एक ही इलेक्ट्रिक ऑर्गन मिला है यार। मैं कैसे इकट्ठे करूं इलेक्ट्रिक ऑर्गन? ओके गाइस मैंने एक तरीका देखा है जिससे कि अपने को बहुत जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स मिल सकते हैं, और उस तरीके के लिए अपने को जाना होगा इस जगह पे, और इस जगह पे अपने को मिल जाएंगे पाल्स जो कि ये रहे, रुक जा ये पड़ा। और इनको जल्दी जल्दी बुलाने का सबसे बेस्ट तरीका है अपना रिस्पॉन पॉइंट बार बार इधर उधर करते रहो, जैसे उनका रिस्पॉन पॉइंट वापस सेट हो जाएगा। अभी मैं वापस जा रहा हूँ और ये शायद वापस आ जाएंगे, उड़ के देख सकते हैं अपन। ये देखो गाइस
ओके एक और इलेक्ट्रिक ऑर्गन मिल गया अपने को, खत्म। 18 इलेक्ट्रिक ऑर्गन हो गए। ठीक है गाइस, मैं जा रहा हूँ फटाफट से अपने देश। आज के दिन शायद अपन ये बना सकते हैं, और हाँ अपन ये बना सकते हैं, इसी के पास में बना देते हैं तो इसको शायद बिजली मिल जाए, बट अगर अपन इससे दूर बनाए क्या पता मिले ना मिले, यहाँ बना देते हैं इसको। फटाफट से आओ लोग भाई, कंप्लीट कराओ इसको। ओके अपना ये बन के रेडी हो गया है, अभी इसको चलाने के लिए क्या चाहिए। ओके ये खुद ही चला देगा इनको, ये शायद चार्ज कर रहा है इसे या फिर क्या। बाकी अपना काम हो गया है, अपन इसके अंदर बनवा देते हैं 15 हाइपर स्फीयर्स। लेट्स स्टार्ट, और ये काम करना स्टार्ट कर दिया है, इस पे लग जाओ तुम। और ये इसको कितना चार्ज करके गया, 12% चार्ज करके गया। और ओके ये आ गया ना उसकी जगह पे, ये आ गया। और ये देखो कितनी जल्दी जल्दी चार्ज कर रहा है इसने, 18% 19% चार्ज कर दिया है। बाकी गाइस अभी के लिए मैंने बनवा लिए 10 बॉल्स। और इन लोगों ने क्या अंडा दिया, अच्छा ठीक है मैंने केक ही नहीं रखा होगा तो अंडा कहां से देंगे लोग, नहीं केक है ही नहीं कहीं भी। ठीक है अगर केक बनता होगा, ओके बन रहा है, 3 बन सकते हैं, मैंने 3 बनवाने रख दिए हैं। और बाकी के लिए अभी फिलहाल के लिए मेरे को और कुछ काम है नहीं, मैं वहां जाके देख के आता हूँ अपने बेस पे। 129 अंदर रखे, 260 हो गया एक बार में। अगर अपन यहीं पे लाके फर्नेसेस लगा दें तो नहीं यार, फर्नेसेस यहाँ लाके लगाने नहीं चाहिए क्योंकि इनका काम डिस्टर्ब होगा फालतू में। अपन फर्नेस वहीं लगा के रखते हैं, और आने वाले कुछ एपिसोड्स में मैं शायद अपना बेस सही कर दूं क्योंकि अभी फैला पड़ा है। इस पूरे बेस को उठा के वापस बनाना पड़ेगा, मतलब एक साथ पूरा नहीं उठाऊंगा, एक एक करके उठाएंगे सामान और उनको असेंबल करेंगे बढ़िया तरीके से। बाकी जब तक मैं इसके अंदर लगा देता हूँ ये, अभी देखो 151 बन सकते हैं वो भी बहुत आराम से। इनको बना देते हैं भाई, ये देखो स्पीड देखो, बनने की स्पीड देखो तुम तो, इसको देखो क्या चीज है भाई, क्या चीज पैदा हुई है। बाकी अपना पाल बॉक्स अपग्रेड आ गया है तो इसको अपन अपग्रेड कर देते हैं, डन। अभी अपने को चाहिए वेपन असेंबली लाइन और हाई क्वालिटी हॉट स्प्रिंग। एक सेकेंड, इसके लिए अपने को चाहिए इंगट्स, और इंगट्स हो गए हैं। चलो भाई अभी मैं इसको भी बनवाने वाला हूँ यहीं पे, ठीक है। तो ये लगेगा कुछ इस तरीके से, लेकिन यार ये ओवरलैप भी करेगा और लगेगा, रुक जाओ मैं इन दोनों को उठाने वाला हूँ। ये थे, ये मैंने क्या उठवा दिए, ये वीट बनाने वाले थे है ना, तो और इनको मैं वापस बनवाऊंगा, ऐसी बात कुछ नहीं है कि मैंने बनाऊंगा नहीं, वीट प्लांटेशन बनाऊंगा मैं, एक इधर एक इधर, ठीक है। अभी अपने पास बहुत जगह हो गई है यार, इसको भी हटा दूंगा यहाँ से, बट नहीं इसको नहीं हटा रहे। ओके डन, चलो भाई काम करो इसके ऊपर, मैं खाना खा लेता हूँ। भाई इन सब कामों में खाना भूल जाता हूँ, देख रहे हो कितना हार्ड वर्किंग इंसान हूं मैं। और इसके अंदर बनेगी गीगा शील्ड, इसके लिए अपने को फिर चाहिए पैलेडियम फ्रेगमेंट और एंशियंट पार्ट, और एक फीड बॉक्स भी बनवाना अपने को। फीडबैक क्या काम आएगा पता नहीं, थोड़ो अभी के लिए तो। और ये देखो इसकी ओर माइनिंग भी शायद फास्ट नहीं है अभी थोड़ा सा वो, अरे यार इस पे एक और, ये मतलब एक लगा के रखते हैं ये, मैं एक बनवा देता हूँ और ये उठाऊंगा नहीं यहाँ से, ये बनता हुआ चलता हुआ अच्छा लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये देखो इस पे ये जा रहा है, ये सही लगेगा भाई, ये सही है। मैं बन मतलब इसे उठाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ ये एक तो उठाना पड़ेगा, एक बनवाते हैं गाइस, इसको उठा के देखते हैं ये काम क्या आता है। फीडबैक अभी क्या करूं इस फीडबैक का, वेयर इज द फीडबैक, ये आइटम में है। साइज पाउच होल्डिंग द फूड अनलॉक 2 फूड स्लॉट्स इन द इन्वेंटरी। ओके ये इसलिए है कि मतलब पाल्स जो है ना ऑटोमेटिकली कंज्यूम कर लेंगे इसके अंदर से खाना। गाइज अपने को अपना ये फार्म सही करना पड़ेगा, मतलब फार्म कह रहा हूँ ये पूरा एरिया सही करना पड़ेगा, बहुत कंजेस्टेड हो गया है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये देखो कितना कंजेस्टेड हो गया है ये एरिया एक ही जगह पे, और अपने पास इतना बड़ा सर्किल है जिसका अपन ढंग से यूज ले सकते हैं। देखो अब अपन चाह रहे हैं कि ये जो घर है ना ये एकदम कोने में बन जाए, ठीक है। और ये जो अपना पाल बॉक्स रखा हुआ है ये परफेक्ट जगह पे, इसको अपने को हिलाने की जरूरत नहीं है। बाकी ये जो ओर माइनिंग के इनको और थोड़ा सा कोने में कर देंगे, ये प्लांटिंग वाले जो चीजें इनको यहाँ साइड्स में लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पानी के बगल में प्लांटिंग होती हुई अच्छी लगेगी। अपना हॉट स्प्रिंग परफेक्ट जगह पे है, और ये फार्म जो है ना इसको एकदम कोने में कर देंगे वहां पे, इस वाले फार्म को वहां पे। और ये जो बेड्स हैं इनके बेड्स के लिए एक जगह बनाएंगे अपने घर के बगल में, या फिर ये एक और चीज बताओ गाइस, ये जो फार्म बना हुआ है ना ब्रीडिंग फार्म, ये सही है कि नहीं है, या फिर इसको इधर बनाए थोड़ा सा, तो यहाँ पे अपने पाल्स को रहने की जगह हो जाएगी, ठीक है। और ये जो दो मशीनें हैं इन मशीनों को जितनी भी वर्क बेंच वगैरह है इनको यहाँ रखेंगे, और अभी जो एडवांस वर्क बेंच है उसको हटा देंगे क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे अपने ये काम करेगा ही सही। स्फीयर्स बनाने का बेंच है उसको भी हटा देंगे, उसकी जगह भी ये काम करेगा। तो बस ऐसे कुछ कुछ करके अपन बेंच कम भी कर देंगे और अपना सारा काम भी हो जाएगा, क्योंकि अभी बेड्स की वजह से आधा तो भरा हुआ लगता है। तो अभी मैं उतरता हूं, इसको अंदर रखते हैं। इनके लिए केक शायद बन गया होगा, ओके केक बन रहा है, मैं थोड़ी सी मदद करा देता हूं और इस केक को ले जाके रख देता हूं उधर की साइड, जिससे कि अपने को एक और एनोरबीज मिल जाए और अपन इसको वहां रख के आ जाए। लाओ भाई अंडा दो, ये मिल गया अपने को एक और एनोरबीज,
इसको भी खोलते हैं संडे में क्या मिलेगा। ओके एक कैप्रिटी मिली है, इसे छोड़ो। अभी अपन चल रहे हैं वापस अपने न्यू बेस पे जो कि बेस कम अपना फार्म है। क्या चल रहा गाइज? और अभी मैं खोल के देख लूंगा बक्सा, बक्से में 20 ही है, काम नहीं कर रहे ये लोग यार। उठा उठा के रखो ना यार, मत करो यार। मैं देखो एक बार मैं 34 रख देता हूँ, तुम लोगों से उठाया नहीं जाता साले कमजोर लोग। वैसे मैं एक और ले आया तुम लोगों के लिए। कहाँ है भाई अनुवीज? अनुवीज अनुवीज वेयर आर यू माई बॉय? बॉय और गर्ल? गर्ल गर्ल गाइज गर्ल। बट ये गई कहाँ? क्या गाइज आपको इन और बीज दिखती है? ओके दिख गई, एक जगह खाली भी पड़ी थी क्योंकि अपन ने अभी अभी अनलॉक करी है इस जगह को। इसको मैंने बना दिया है और अभी इसको अपग्रेड करने के लिए अपने को हाई क्वालिटी हॉट स्प्रिंग और बिल्ड वेपन असेंबली लाइन भी खुल गई क्या? एक सेकंड रुको, मुझे घर जाके देखने दो। वेपन असेंबली लाइन कब खुली भाई? एक सेकंड टेक्नोलॉजी में चलते हैं और वेपन असेंबली लाइन अपने को गाइज वेपन असेंबली लाइन खुली नहीं है, 32 लेवल पे खुलेगी। मतलब 32 लेवल तक अपन बॉक्स ही अपग्रेड नहीं कर सकते अपना। वाह भाई अब मेरे को अपना 42 लेवल करना पड़ेगा। और एक गाइज एक मिशन आ रहा है, जर्नी आ रही है, जर्नी में ये दिखा रहा है कि अपने को स्मॉल फीडबैक बनवाना ही पड़ेगा, तो एक ये बनवा देते हैं। ओके अपना मिशन कम्प्लीट हो गया। एक नया मिशन आया बिल्ट एग इंक्यूबेटर, भाई बना रखा है भाई अपडेट के बाद जो नए मिशन आया ना ये हटा नहीं सकते क्या? क्या जबरदस्ती है, क्यों बनवाऊं मैं एक और? भाई मटेरियल भी नहीं है भाई मेरे पास। रुक जाओ संडे के अंदर गद्दी लगती है, उसके लिए मुझे कॉटन बनाना पड़ेगा। बन ले भाई बन, पोटली में दिखाता है भाई सारी चीजें इसके अंदर। लो भाई लो। एक और बना देते हैं, बट जगह भी तो नहीं है। ठीक है मैं बना के डिस्ट्रॉय कर दूंगा, हटाओ इसको बनाओ क्योंकि एक में कंप्लीट हो जा रहा है। पहले इनको बहुत सारा बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि एग बहुत सारे एक साथ रख दो, बट यार इतना वेट किससे होता है, मैंने वो सिस्टम ही हटा दिया। ठीक है तो अपना एक और मिशन कंप्लीट हो गया, अभी इसको हटाते हैं अपन। ठीक है ओके फिलहाल मैं वहां जाके देखने वाला हूँ लास्ट की अपना कितना ओर इकट्ठा हुआ है। और आज अपन ने फाइनली बना दिया है अपना अनलिमिटेड ओर फार्म 97 और पाल्स आर गेटिंग स्ट्रेस्ड। ओ माय गॉड गाइस ये और बना दूं मैं एक बार। रुको गाइस इनके लिए फ्लफी वाला भी बनवाएंगे बेड, रुक जाओ। बट ये ही नहीं बन रहा अभी के लिए तो। ओके मैंने बेड बनवा दिए हैं, ये लोग कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से काम। अपने पास 132 ओर्स और आ गए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आज अपन ने अनलिमिटेड ओर फार्म बना दिया है। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं सोच रहा हूँ अपने बेस को सही तरीके से बनाने का क्योंकि अपने बेस में कई सारे लैग आ रहे हैं या फिर क्या, जैसे कि मैं उस जो आग छोड़ता बंदा क्या नाम है उसका मुझे पता नहीं है, उसको मैं कहीं पे असाइन करना चाह रहा था, कोई भी असाइन नहीं हो रहा है जहां मैं असाइन करना चाह रहा हूं। उन सब चीजों को सही करेंगे। तो तुम जब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो सब्सक्राइब कर दो, बस सब्सक्राइब कर दो। और कुछ अच्छी अच्छी चीजें कमेंट्स में बता दो जो कि अपन गेम के अंदर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए।